subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से तशरीफ ला रहे थे, सुनिएगा गौर से, बड़ा मशहूर वाकया मैं सुनाता हूँ, बड़ा लुत्फ, सुनिएगा आप भी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे, क्योंकि जंग में गए मैदान जिहाद में तो मुसलमानों को फतह नुसरत हासिल, जीत हासिल, काफिर भागे, भगदड़ मची उनमें हारने के बाद। तो एक शख्स कबीले बनु असलम से ताल्लुक रखने वाला भागा, जुमला सुनिएगा, जब भागा तो रास्ते में भागते भागते की कोई पकड़ने ले, पांव जख्मी हो गए, छाले पड़ गए, बड़े बड़े कांटे चुभ गए, भागता रहा। जब थक हार गया, तकलीफ ज्यादा हो गई तो बैठ गया, इंतजार करने लगा शायद मेरा काफिला आ जाए तो उनके साथ मैं भी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। इंतजार कर रहा था, क्या देखा गर्द और गुबार नजर आ रहे, काफिला आ रहा। जब देखा तो खुश हो गया, गर्द और गुबार नजर आ रहे, मेरा काफिला आ रहा। मगर जब काफिला करीब आया तो क्या देखा, आगे आगे इमामुल अंबिया तशरीफ फरमाए, सुभान सुभान रहमतुल्लिल आलमीन है मेरे आका। देखकर घबरा गए, तो मुसलमानों के नबी आ रहे, ये तो मुसलमानों का काफिला, ये तो दुश्मनों का है, ये तो हमारे दुश्मन हैं, हम इनसे भागे थे, इन्हीं में आके पहुंच गए। उसे पता ना था रसूल की रहमत की शान क्या है, मेरे आका कितने बड़े करीम है, आका कितने बड़े रहीम है, मेरे आका कितने बड़े रऊफ और रहीम है। सुनो, जब देखा तो घबरा गया, सहाबा की नजर पड़ी, पहचान गए ये तो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, ये तो तीर चला रहा था, ये तो तलवार चला रहा था, ये मेरे खिलाफ आया था जंग कर रहे। सहाबा दौड़े, उसे पकड़े, पकड़ के लाए आका की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये दुश्मन है, ए मेरे आका हमारे खिलाफ मैदान जिहाद में खड़ा था, तीरों की बारिश कर रहा था, ये तलवार चला रहा था, मेरे करीम नबी को देखो, रहमतुल्लिल आलमीन को देखो। आका फरमाते सहाबा ये रास्ता भटक गया है, इसे साथ ले लो ताकि ये मंजिल तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा साथ लिए और जब लेकर के आए आका की बारगाह में, आका ने फरमाया साथ ले लो। जुमला सुनो, था दुश्मन, वाह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े रहीम है, आका की रहमत देखो। सुभान सुभान आका ने फरमाया साथ ले, जब साथ चले तो सब सवारी पर लोग सवार, और ये पैदल चल रहा था, मगर पांव में छाले पड़े थे, उसके पांव में तकलीफ थी, कांटे चुभे थे, चल नहीं पा रहा था। मेरे आका ने जब देखा ये चल नहीं पा रहा, आका की रहमत है अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, एक सहाबी को इशारा किया, सहाबी तुम सवारी से नीचे आ जाओ, ये अल्लाह का बंदा चल नहीं पा रहा, इसके पांव में तकलीफ है। तब वो बोल पड़ा, हाँ अरे मुसलमानों के नबी, मेरे पांव में कांटे चुभे है, छाला पड़ चुका है, चल नहीं पा रहा। आका ने सहाबी से फरमाया तुम नीचे आ जाओ और इसे ऊपर बिठा दो। अब वो सवारी पर बैठ गया, वो भी हैरान है, ये मैं किन लोगों से बगावत मोल लिया, मैं किन के खिलाफ लड़ने गया, ये इतने करीम है कि दुश्मन को पैदल भी नहीं चलाते हैं, पांव में तकलीफ है तो सवारी पर बिठा देते और अपने साथी को नीचे कर देते हैं। आज के दीवाने होते तो क्या कह देते, अरे मैं पैदल चलूं, ये दुश्मन ऊपर ऊपर चले, कोई आलिम अगर नाइबे रसूल कह दे वो भाई तुम नीचे आ जाओ, इन्हें ऊपर बिठा दो, तो बैठाने के लिए तैयार रही। मगर वो सहाबा थे, वो जानते थे रसूल के हर काम में हिकमत है, अगर नबी ने बिठाया है तो इसे मंजिले मकसूद तक पहुंचाएंगे, कुफ्र से निकाल कर ईमान की दौलत। जानते थे सहाबा, सहाबा सहाबी एक नीचे आए, सहाबा में से एक सहाबी नीचे आए। जुमला सुनो, उसे दुश्मन को ऊपर बिठाया। अल मुख्तसर, जब मदीना शरीफ पहुंचे, जब आए सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसके साथ बर्ताव क्या करें, सुलूक क्या करें। आका फरमाते हैं सहाबा ये भूखा है, पहले इसे खाना खिला दो। सुबह ये भूखा है, पहले इसे खाना खिला दो। सहाबा ने खाना खिलाया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह अब क्या करें। आका ने फरमाया ये प्यासा है, पानी पिलाओ, ये थका है, इसके लिए बिस्तर लगा दो ताकि आराम। था दुश्मन नबी के रहम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह।
देखें आपके इस जलसे के खुसूसी शायर पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह धूम मचाने वाले शायर हैं, तशरीफ ला चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हैं, खूब देर तक पढ़ेंगे, जब तक चाहेंगे तब तक ये सुनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी शानदार है और अभी तो जलसा शुरू हो रहा है। मैं तो शुरू में आ गया मूड बनाने के लिए खुतबा और शोरा का। इलाका हमारा है तो कौन मूड बनाएगा। झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें अल्लाह रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले। तो मैं अर्ज कर रहा था रसूल की रहमत देखो, दुश्मन है सहाबा से आका फरमाते ये भूखा है प्यासा है खिलाओ पिलाओ, और जब खिला पिला चुके तो आका ने फरमाया सहाबा ये थका हारा इसके लिए बिस्तर लगा दो आराम कर ले। सुभान अल्लाह, हैरान है वो दुश्मन, वो शख्स हैरान है कैसे नबी से झगड़ा कर लिया मैंने, कैसे मुसलमानों से मैंने लड़ाई मोल ले ली। ये तो इतने करीम हैं, इनके नबी इतने रहीम हैं कि दुश्मन को खिलाते हैं पिलाते हैं सुलाते हैं। जुमला सुनो, जब सब सुला दिए कोई रखवाली करने वाला नहीं है कि कोई पकड़ के बैठा हो कि यह हमारा मुजरिम है यह हमारा कैदी है तो भाग ना जाए। सब छोड़ के चले गए रसूल के हुक्म पर। आका भी काशाने अक्दस में जलवा फरमा हुजरे मुकद्दसा में। सुनिए का रात का सन्नाटा है, शैतान आ गया वरगलाने लगा, नफ्स ने उसे झिझोड़ के कहा अरे भाग ले मौका गनीमत है, सहाबा अपने अपने घर में है, आका अपने हुजरे मुकद्दसा में है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जल्दी से भाग ले। फिर सोचता है ऐसे अच्छे लोगों के दरमियान से मैं भागू कैसे, मगर शैतान वरगला रहा है निकल ले जल्दी से भाग ले। सोचा लाओ पांव से कांटा निकालू और मैं भी भाग लू। अब जुमला सुनिए का वो कबीले बनू असलम से ताल्लुक रखने वाला मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला सोच रहा है भागो, उंगली ले गया पांव से कांटा निकालने के लिए, जैसे उंगली ले गया उंगली कांटे पर पड़ गई, वो चीख पड़ा और आवाज बुलंद किया, तब तक क्या देखा एक नरमो नाजुक मुकद्दस हाथ मेरे सर पे आ गए हैं। और जब पलट कर देखा तो वो किसी के और दस्ते करम नहीं, वो इमामुल अंबिया का दस्ते करम है, रहमतुल्लिल आलमीन का दस्ते पाक है। आका ने फरमाया क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो चीख क्यों रहे हो। कहा है मुसलमानों के नबी पांव में कांटा चुभा, मैं निकालने के लिए उंगली ले गया, उंगली उसी पर पड़ गई, मैं निकाल ना सका, दर्द से करा उठा चीख पड़ा, मेरे करीम नबी रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया लाओ कांटा मैं निकाल दूं। आका ने अपने मुकद्दस दस्ते पाक से आका ने उसके पांव से कांटा निकाला, इधर कांटा क्या निकला, कुफर का कांटा निकल गया। फौरन चीख पड़ा, उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह हमें जल्दी कलमा पढ़ाओ, अरे जो नबी दुश्मन के पांव में कांटा न बर्दाश्त करे वो अपनी उम्मत को आशिक को जहन्नम में कैसे जाने देगा। कलमा पढ़ा के मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। ये मेरे रहीम नबी हैं रहमतुल्लिल आलमीन, ये आका की रहमत, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया, ये रसूल की रहमत है जो एक सफ में अमीर गरीब नजर आते हैं, ये रसूल की रहमत है। ऐ मुसलमानों वरना जो मालदार थे वो गरीबों को नहीं पूछते, जो गोरे चिट्टे थे कालों को नहीं करीब करते थे, लेकिन वाह मेरे आका की रहमत आकर के सबके अंदर मसावात कायम कर दिया। सुभान अल्लाह, आज भी अगर ये फितरत आए किसी के अंदर अपनी जात पे फख्र, अपने माल पे फख्र, अपनी दौलत पे फख्र, अपने हुस्न पे फख्र, तो समझ लेना सहाबा के तरीके पर नहीं हो, जमाने जाहिलियत के तरीके पर आ रहे हो। अब जरूरी है तौबा करके अपने अंदर से ये सारे फितने खत्म करो। हम सब रसूल की उम्मत है ये समझो, ये जितने बैठे हैं ये सब उम्मती भाई हैं, मेरे नबी एक है, उस नबी का कलमा पढ़ते आज यहाँ भी साथ है, इंशाअल्लाह जन्नत में भी जाएंगे हम गुलाम मुस्तफा के कदमों में। अपने अंदर तब्दीली पैदा करो और हर आदमी आहद कर ले आज से कि अब हम अपने घर की इसलाह करें। मैंने पहले कहा हर आदमी चाहता है इसलाह, मगर कैसे अपनी इसलाह कोई करता ही नहीं, दूसरों ही की इसलाह में लगे।
ये सुधर जाए वो सुधर जाए फला सुधर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, हुजूर सूफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने जो मोटरसाइकिल है उसको बगल में खड़ी कर दे, सामने जो गाड़ियां खड़ी किए हैं वो उसको बगल में कर दे। सुभान अल्लाह, आप देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर मुमताजुल फुकहा फकीह असर गजाली दौरा उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद हफीजुल्लाह खान साहब बिला नईमी मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी हुजूर वाला तशरीफ ला चुके हैं। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बस दो चार पाँच मिनट और बर्दाश्त कर लें और मेरे बाद अच्छी अच्छी नातें होंगी इंशाल्लाह और खसूसी खतीब तशरीफ लाएंगे, उनका खसूसी खिताब।